दीवाल के उस तरफ यहाँ पर बम लगाया गया था और बम जो है धमाका हुआ था। उसके बाद देखिए और सर में लगा है, तब से ये घायल है और इसी बेड पर वो बैठी हुई है। उनकी दबंग लोग आपके पीछे पड़ गए, क्या ये मकान आप खाली कर दीजिएगा? बिल्कुल नहीं सर, जान चली जाएगी लेकिन मकान खाली नहीं करेंगे। मेरी माँ की जान नेता के नाम से जाने जाते हैं, LGP के नेता है। और एक कौन से गुट? चिराग पासवान के गुट की पशुपति पारस के गुट? सलीम साहिल भी मुस्लिम ही है और शहनवाज उर्फ सोनू भी मुस्लिम ही है। लेकिन नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं मस्खरा रिपोर्टर विशाल सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं राजधानी पटना के सटे दानापुर में हूं, जहां पे आपको मैं आज कुछ दिखाने आया हूं कि कैसे एक मुस्लिम परिवार के लोग जो है गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, यूं कहें कि जीने को मजबूर है। वजह है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। ये घर आप देख रहे हैं, इनकी पुरखों की ये मकान है जिसे कुछ लोग हड़पना चाहते हैं, और हड़पने के लिए पिछले साल लगभग 2021 की ये घटना है। इस घर में बम भी लगाया गया था, बम विस्फोट कराया गया था, और बम विस्फोट के द्वारा देखिए यहाँ पे, देखिए आप देखना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे आप लोगों को कि दीवार के उस तरफ यहाँ पर बम लगाया गया था और बम जो है धमाका हुआ था। उसके बाद देखिए कि इस घर के जो ईंटें हैं उसका क्या स्थिति थी, वो सब कुछ बाहर यहाँ निकल कर आ गया था। लगभग 20-25 इंच की ये दीवार है और पुरानी मकान है, आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ रहा होगा उस समय की ये घटना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पास में जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज है, उसका भी यहाँ पे पचक्का उड़क गया था। जो ईटा का जो वहां से जो काफी तेजी से जो निकल कर आई थी सामने, उसके बाद जो ईटे के सामने आए उसमें सभी लोग घायल भी हुए थे, कुछ घर के लोग हैं। उसमें एक ये माता जी है, देखिए कि तब से लेकर अब तक बिस्तर पर ये नहीं उठे हैं, तब से लेकर अब तक बीमार है। इनकी बेटी का कहना है कि ये काफी स्वस्थ थी उसके पहले, लेकिन उसके बाद जब ये धमाका हुआ तो उसमें ये चोटिल हो गई है। यहाँ पर वो खाना पका रही थी और खाना पकाने के दौरान ही, दिन की घटना है ये, खाना पकाने के दौरान ही या बम ब्लास्ट होता है और वहां पर से जो ईंटें हैं वो निकल कर आती हैं और इनके माताजी के कमर में लगती है और तब से ये और सर में लगा है, तब से ये घायल है और इसी बेड पर वो बैठी हुई है। उनकी बेटी हमारे साथ है, आइए थोड़ा सा इधर आप, पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे कि कौन वो लोग हैं जिनकी इस मकान के जो विरासत में जो इन्हें मिला है वो इनको हड़पना चाहते हैं। आप आराम कीजिए माता जी, थोड़ा सा ये दिमागी संतुलन भी खो दी है और ऊंचा सुनने लगी है, मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। उनकी ये पुत्री है, क्या क्या घटना हुआ था, कब की घटना है, इस तरह बताइए थोड़ा। घटना ये सर 2021 में 14 नवम्बर को दोपहर के 2 बजे के करीब करवाया गया और इस घटना में मेरी माँ घायल हुई जिसके सर में 9 टाके लगे हुए हैं। और मकसद यही है उन लोगों का कि इस घर को बम ब्लास्ट करवाने का मकसद ये है कि मेरे घर को कब्जा करने का है, कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं, घर को खाली कर करके यहाँ से, ताकि वो लोग घर परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह घर कब्जा करने का है। जैसे घर किसका है? घर हमारे पूर्वज का है, पुश्तैनी मकान ही है, मेरे पिताजी पूर्वज से रहते आ रहे हैं। संभव है कि किसी का मकान कोई सुशासन की सरकार में हड़प ले? अब सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये वार्ड पार्षद जो है हमारे, क्या नाम है, नाम बताइए, उनका नाम है विनोद कुमार यादव। अच्छा, ये वर्तमान में है? हाँ, वर्तमान में ये 15 साल से हैं, ये तीसरी बार जुए हैं, वार्ड जीते हैं, ये वार्ड पार्षद 15 साल से हैं। इसमें वार्ड पार्षद के अलावा मैं 2 नाम और लेना चाहूंगी, उनका नाम है सलीम साहिल नेता के नाम से जाने जाते हैं, LGP के नेता है। और एक कौन से गुट? चिराग पासवान के गुट की पशुपति पारस के गुट? चिराग पासवान। अच्छा ठीक है, उन्हीं के साथ उनका तस्वीर देखा गया है। और एक और नाम है, सलीम साहिल नेता के साथ रहते हैं सोनू उर्फ शहनवाज उर्फ सोनू। ये आपके कौम के लग रहे हैं? हाँ, ये सलीम साहिल भी मुस्लिम ही है और शहनवाज उर्फ सोनू भी मुस्लिम ही है, लेकिन जो वार्ड पार्षद वो हिंदू है। हाँ, वार्ड पार्षद जो है वो यादव जी हैं, वो हिंदू हैं, और उन्हीं तीनों के दबाव से हमारा मामला थाना में भी रुका। थाना में भी मैंने आवेदन दिया है, मैं आवेदन भी दिखा देती हूँ आपको। 14-10-2022 को मैंने आवेदन दिया था। 21 की घटना, 22 को आपने आवेदन दिया? नहीं, 21 में जो घटना घटी तो 21 में हम लोगों ने थाना और ये वो करते करते वहाँ रिपोर्ट जांच हो रहा था, थाना में बुलाया जा रहा था, मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा था, बर्तन बासन सारे, 15 दिन तक तो खाना चूल्हा चौका जला नहीं। वो सीधा आदेश था कि किसी चीज को
छुआ नहीं। फोरेंसिक टीम आई थी। हाँ, फोरेंसिक टीम आई थी और इसी तरह से उलझे पड़े रहे, तो फिर माँ मेरे डैमेज हो गई, तो मेरे घर में कोई देखने वाला नहीं। अच्छा ये बताइए, फोरेंसिक टीम आई तो उन्होंने क्या जांच करके आपको बताया? हमको कुछ नहीं बताया, ठीक है, हमें कुछ नहीं बताया गया। जब मैं आवेदन लेकर के गई कि सर जो मेरा टूटा हुआ मकान है उसको मैं मरम्मत करना चाहती हूँ, तो मुझे वहां से थाना प्रभारी उस टाइम जो 2021 में थे उन्होंने मुझे भगा दिया और मेरा आवेदन तक नहीं लिया। किस थाने की बात कर रहे हैं? मैं दानापुर थाना की बात कर रही हूँ। ठीक है, दानापुर थाना में उसके बाद आवेदन लिया गया? नहीं, आवेदन लिया ही नहीं गया। मेरा आवेदन तो हाथ में वो देखे तक नहीं कि किस चीज का आवेदन है। बोले कि जाओ जाओ, तुम्हारा मामला हो गया है, तुम जाओ, जो बनाना है, तुम्हारा मकान है, तुम जा करके बनाओ। थाना में खुद जनता दरबार लगता अच्छा। है, ठीक है ना, जमीन विवाद को सीओ साहब देखते हैं अच्छा। तो उनके प्रतिनिधि आए थे, चंदन नाम है उनका, तो उनके नेतृत्व में हमारा मामला अंततः एफआईआर लॉन्च हो गया था, दर्ज हो गया था। हाँ, ना एफआईआर उन्होंने नहीं लिया, ठीक है, एफआईआर दर्ज हमारा नहीं हुआ। ये बोले कि ये जमीन का मामला है अच्छा, ठीक है, तो जमीन का मामला है तो ये सीओ साहब देखेंगे। तो हमने वहाँ वो शनिवार के दिन बुलाए, बोले रिसीविंग दे दिए, वो रिसीव करके हमारा एप्लीकेशन वो रिसीविंग दे दिए और जनता दरबार में शनिवार के दिन गए, तो दोनों पक्ष को बुलाया गया, वो पक्ष आए और हम भी अपना गए और अपना सारा दस्तावेज जमीन का लेकर के गए, हमसे सारा दस्तावेज जमा करवा लिया गया। वो उनके पास एक भी दस्तावेज नहीं था, सिर्फ उनके पास एक रसीद था 1034 वर्ग फीट का। उनका क्या कहना है कि जमीन उनकी है? हाँ, उनका कहना है कि जमीन की, थाना प्रभारी भी बोले, वहाँ के जो चंदन सर थे सीओ साहब के प्रतिनिधि, वो भी बोले कि हम दानापुर का रसीद काट लेंगे तो दानापुर हमारे बाप का नहीं हो जाएगा, आपको साबित करना होगा कि ये मकान आपका कैसे। ये रसीद वो भी कटवा रहे हैं? हाँ, इस जमीन की। हाँ, आपकी कट रही है रसीद? हाँ, हमारी भी कट रही है और उनकी भी कट रही है। अब पहले तो उनकी 270 वर्ग फीट की रसीद कटती थी, लेकिन अब उनका 1034 वर्ग फीट का रसीद। शुरुआत से आप रह रहे हैं? कब से यहाँ रह रहे हैं आप? ये हमारे चार पीढ़ी से रह रहे आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब आपको हटाने की कोशिश की जा रही है? हमारे दादा, परदादा, दादा सब यहाँ मर गए, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी। फिर आगे क्या हुआ जब आपने खाली नहीं किया? हाँ, तो अभी हमें, हम पर दबाव दिया जा रहा है, रास्ते हाट में कहीं भी मेरे पिताजी जाते हैं तो लोगों के माध्यम से टॉर्चर किया जाता है। क्या करते हैं आपके पिताजी? पिताजी हमारे फुटपाथ पे कपड़ा बेचते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग अभी तक नहीं मिला? यानी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। क्या करेंगी आप आगे? आगे नीतीश कुमार तक जाएंगे और उनसे मदद की। जनता दरबार लगती है सोमवार को, क्या अभी तक आप नहीं गए? किसी ने नहीं बताया? अभी तक नहीं गए हैं वहाँ। हम सोच रहे थे कि यहाँ थाना से हमारा और नगर परिषद से हमें सहयोग मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कोई सही। लेकिन जब फोरेंसिक टीम आई थी तो ये भी जांच में आई कि शायद बम ब्लास्ट नहीं हुआ था, सिलेंडर फटा था। जी, वहाँ मुझे भी पता चला कि यहाँ पर सिलेंडर फट गया था, लेकिन ये सब झूठ बात है, ये झूठी रिपोर्ट है, यह सिलेंडर नहीं फटा था सर। तो आप आगे जनता दरबार, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाएंगे, वहाँ जाकर फरियाद लगाएंगे, वहाँ जाकर के फरियाद करूंगी। तो ये है यहाँ पे पीड़िता है, जहाँ पे मैंने आपको बात करवा। देखिए एक चीज और मैं यहाँ बताऊंगा कि जब फोरेंसिक टीम आई थी तो उन लोगों का कहना था कि यहाँ पे सिलेंडर फटा था, खाना यहाँ बन रहा था। समझने वाली चीज है, ये कोई नौसिखिया व्यक्ति भी होगा तो आएगा, वो समझ जाएगा। ये सिलेंडर अगर फटता है तो इस तरह से वो जो है दीवार में इस तरह से इतना बड़ा छेद नहीं करता है, होल नहीं करता है, और उसका कहीं कहीं जो है ना मार्क भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब सिलेंडर फटता है तो ये बहुत सारे पार्ट में फटता है, और जब वो पार्ट में फटता है तो दीवार में अलग अलग भी जो है ना वो कहीं ना कहीं ठोस जो है अपना जगह छोड़ के जाता है। मैं आपसे एक मिनट बात करता हूँ, सुनिएगा। और लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये दीवार में होल किया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि सच में इसे तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से ये खबर पूर्व में भी चल चुकी है कि यहाँ पर बम ब्लास्ट की घटना हुई थी, हालांकि फोरेंसिक टीम कुछ और इसे दिखाने की कोशिश की और मैडम कुछ और दिखा रही। बताइए, ये सब हमारे मकान का रसीद हुआ सर। अच्छा, देखिए ना, ये सब जो कटते आ रहा है, 2007 में इस घर का बंटवारा लगा था सर, तब से ये रसीद कटते है। जनता दरबार तो काफी सालों से चल रहा है, तो आप अभी तक क्यों नहीं गए नीतीश कुमार जी के यहाँ? सर हाँ, नीतीश कुमार के यहाँ नहीं गए कि पहले निचले स्तर से, मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट तो नहीं पहुँच सकती, सिविल कोर्ट के थोड़ा जाएंगे। लेकिन सिविल कोर्ट यहाँ फेल हो गया जी सर। तो कहा जाता है कि पहले निचले स्तर से आप प्रयास कीजिए, जब निचले स्तर से आपकी कार्रवाई सुनवाई नहीं होती है तब आप बड़े स्तर पर आप जा सकते हैं। दबंग लोग आपके पीछे पड़ गए, क्या ये मकान आप खाली कर दीजिएगा? बिल्कुल नहीं सर, जान चली जाएगी लेकिन मकान खाली नहीं करेंगे। मेरी माँ की जान जाते जाते बची है, फिर भी हम मकान नहीं खाली किए हैं, लेकिन हम मकान कैसे खाली कर देंगे? ये हमारे पूर्वज का पुश्तैनी मकान है सर,
इसी में हम लोग तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, आप ये सुनिए, ये इनके पुरखों की मकान है, विरासत में इन्हें मिली है और इससे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इन्हें हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जब ये बाजार निकलते हैं तो इनके परिजनों को भी परेशान किया जाता है और जो आप वीडियो में देख रहे हैं, मोबाइल के डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि किस तरह से घर को उड़ाने की कोशिश की गई। हालांकि बहुत बड़ी घटना हो सकती थी और हुई भी, जिसमें माता जी जो है वो यहाँ पर घायल है। और कुछ बोल पाइएगा माता जी, आप कुछ बोलिएगा, सुनाई दे रहा है, क्या कहिएगा, क्या हुआ था? बोलिए सर। पर हम बैठे रहे थे चूल्हे के पास, पका रहे थे, मेरा सर फटा तो हमको फिर गिरा रहा, तो जब बाहर गए तो सब लोग देखे इसकी खून से निहायन भी है। उसके बाद तबीयत ठीक रहता है अभी? हाँ, बहुत कम रहे। क्या कहिएगा नीतीश जी से, क्या कहिएगा, कुछ कहिएगा? अपनी बीमारी का कहेंगे, घर के जो लोग, घर का भी कहेंगे, क्या कहिएगा, बोलिए, कुछ बोलिए। दुश्मन लोग मेरे, क्या नाम है आपका? मेरा जहदा खातून नाम है। तो खातून जी का कहना है, नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि वो देखें और समझें और इनके जो पुरखों की जो विरासत में जो इन्हें घर मिला है, इसे असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार इन्हें छीनने की प्रयास की जा रही है, इससे इन्हें बचाया जाए। जी बताइए। सबसे ज्यादा दबाव हमें विनोद कुमार जो वार्ड पार्षद हैं वर्तमान में, उन्हीं के ज्यादा दबाव दिया जा रहा है। कल की मैं घटना बता दूं, कल थाना से कुछ लोगों को लेकर आकर कहते हैं कि आप रेंटर हैं, आप मकान खाली कर दीजिए। ये दबंगई उन्होंने दिखाया है कल, और सबसे ज्यादा उन्हीं का दबाव पड़ रहा है और नगर परिषद से लेकर के थाना से लेकर के हर जगह उन्हीं का दबदबा हर जगह चल रहा है और हमें सहयोग कहीं से नहीं मिल रहा है। हम जा तो रहे हैं लेकिन खाली वापस लौट कर सर चले आ रहे हैं। हर दरवाजे को ठकठका चुकी है लेकिन हर जगह से इन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। और मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे मीडिया कर्मी हैं, चाहे जो भी पुलिस प्रशासन विभाग के लोग हैं, वो आगे आए और इनका मदद करें, क्योंकि इन्हें मदद की जरूरत है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार इन्हें प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि बिहार है और बिहार में सुशासन की सरकार है, और गलत अगर किसी के साथ होगा तो उसके साथ नीतीश कुमार है। कैसा लगा ये वीडियो, प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द फेसबुक पेज को फॉलो करना ना बोले। धन्यवाद।